प्यार के भंडार खोल दिया आपने हमारे लिए, तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, विशेषतः ब्रजवासी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बुरा न माने जो बाहर से श्रोता आए हैं, वो बुरा न माने, क्योंकि बाहर से जो श्रोता आए हैं वो तो हमारे अपने हैं ही हैं, क्योंकि वो तो हमेशा से लगे हमारे साथ में रहे, अपना स्नेह बनाए रखा है। लेकिन ब्रजवासी श्रोताओं का पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुझे प्यार मिला है, इसलिए उनके लिए मुझे कहना है, बोलो राधे राधे। अब पीछे वाले जोर से बोलना पड़ेगा। अब मैंने आपकी इतनी तारीफ कर दिया को मतलब ये थोड़े ना कब चुपचाप बैठ जाओगे, जोर से बोलिए राधे राधे राधे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, सुखदेव जी महाराज ने राष्ट्र पंचाध्यायी प्रारंभ करने से पहले अगर आप देखें तो आजकल के जो पंक्तियां हैं, कही जाए जो आजकल के श्रीमद् भागवत महापुराण के गुटके हैं, इनमें लिखा गया है श्री सुकोवाच। लेकिन पहले जो गुटके थे श्रीमद् भागवत महापुराण के, जो पहले गुटके हैं, उनमें लिखा गया वादरानी उवाच। तो आइए पहले वादरानी उवाच का अर्थ समझें क्या है। वदर कहते हैं बेर को, और वादर कहते हैं बेरियाओं के समूह को। जहां पर बेरियाओं का समूह है उसको वादर कहते हैं, या फिर उसको दूसरे नाम से कहें तो वद्री वन कहते हैं। और उस वद्री वन में जो निवास करने वाले हैं उनका नाम है वादरायण, जो साक्षात वेद व्यासी महाराज हैं। और उन वादरायण के जो पुत्र हैं उनका नाम है वादरायणी, अर्थात सुखदेव जी महाराज। तब पुराने गुटकों में आता था वादरायणी उवाच। प्रश्न उठता है वद्रीवन कैसा है, जहां बेरियाओं का वन है जिसको मैं बद्रीवन इस समय कह रहा हूं, वो बद्रीवन कैसा है। बोले बड़े सुंदर लाल लाल बेर वहां पे लग रहे हैं, और उन बेरियाओं के आश्रम में वेद व्यासी महाराज बहुत बड़े वैराग्यवान हैं और वैराग्यवान स्थिति को संभाले हुए हैं। वैराग्यवान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो वैराग्यवान हैं। बद्रीवन बाहर की तरफ लाल लाल बेर लग रहे हैं, और भीतर की तरफ जहां व्यास जी महाराज रहते हैं वहां लंबे लंबे कांटे हैं, अर्थात जो संत होते हैं, जो वैरागी होते हैं, उन्हें कभी भी फल की इच्छा नहीं रहती। वो तो वैराग्यवान हैं, उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं होती, बल्कि दूसरों को हमेशा फल देते रहते हैं। बाहर की तरफ लाल लाल बेर लग रहे हैं, अंदर की तरफ कांटे। कांटे वैराग्य का स्वरूप है, फल जो है माया का स्वरूप है, मोह का स्वरूप है। दूसरों को फल देते हैं और स्वयं अपने लिए सामने कांटे रूपी वैराग्य को संभालते हैं। और आजकल के कैसे हो गए, आजकल किसी आश्रम में प्रवेश करो तो बस आनंद ही आनंद। बाहर ते गाय के गोबर ते लिपवा दें, कहा है बोले झोंपड़ी है, संत जी झोंपड़ी में निवास करें। और भीतर चले जाओ तो, हम भीतर जाओ तो बोले वातानुकूलित एसी चल रहे हो, हमें एसी चल रहे हो है। दुनिया को दिखावे के लिए हम बैरागी हैं, और अंदर चले जाओ तो बोले रागी हैं, अनुरागी हैं। अंदर से हम सब कुछ हैं, लेकिन बाहर दुनिया को दिखाने के लिए बोले मैं बहुत वैराग्यवान हूं, इसलिए गाय के गोबर से चौका लगवा दियो अपनी झोंपड़ी पे। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ऐसे नहीं,
न वादरायन ऐसे हैं, न वादरायणी ऐसे हैं, अर्थात न वेद व्यास जी ऐसे हैं, न वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ऐसे हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? न उनके पास सोटी है, न कोई कोठी है, और की तो बात छोड़ो, उन पे लंगोटी तक नहीं है। बोलो राधे राधे। उन्हें एक छोटे से वस्त्र का भी मोह नहीं है। इतने वैराग्यवान श्री वादरानी भगवान। मैं हमेशा कहता हूं, आजकल की किताबों में लिखा है श्री सुकवाच, बहुत सुंदर अर्थ है, समझने की कोशिश करिए। श्री शब्द पूरे ग्रंथ में दो के ही आगे लिखा गया, एक तो भगवान के आगे श्री लिखा गया है और दूसरा श्री सुखदेव जी के आगे लिखा गया। रास पंचाध्यायी प्रारंभ करने से पहले आया है श्री सुकवाच। श्री शब्द में कृष्ण भी हैं और श्री शब्द में राधा भी हैं। राधा कृष्ण युगल, राधा भी हैं और कृष्ण भी हैं। तो सुखदेव जी के आगे यहां श्री लगाया, इसका मतलब है रास पंचाध्याय का वर्णन करने श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। तो श्री इसलिए लगाया कि रास पंचाध्यायी प्रारंभ करने से पहले ये जो सुखदेव जी है ना, राधा रानी के पूर्ण रूपेण कृपा पात्र हैं। एक होते हैं कृपा पात्र और एक होते हैं पूर्ण रूपेण कृपा पात्र। कृपा पात्र, अच्छा भाई ठीक है, जो आया है सो ले जा, ये कृपा पात्र है, जो चाहिए सो ले जा। लेकिन पूर्ण रूपेण कृपा पात्र कौन? बोले कि उसकी टेंशन भी खुद रहे कि पता नहीं उसके पास कुछ है या नहीं है या ये, मतलब पूर्ण ध्यान उसका, पूर्ण रूपेण कृपा पात्र है श्री सुखदेव जी महाराज। और पूर्ण रूपेण जब कृपा पात्र है, उनका एक अर्थ वो भाव समझेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितने कृपा पात्र हैं। श्री राधा रानी अपनी हथेली पर बैठाल कर इन्हीं सुख को कुछ दाना खिला रही है, कुछ खिला रही है, और कभी कभी खिलाते खिलाते उसका चुम्बन ले लेती है, उसको अपने हृदय से भी लगा लेते हैं। पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न, उस सुखदेव जी का अर्थात सुख का चुम्बन भी ले लेती हैं। ये सुखदेव जी श्री राधा रानी के कृपा पात्र हैं। श्रिया सुख श्री सुख, श्री जी के सुख हैं इसलिए सुखदेव हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी श्री राधा नाम अर्थात गोपी भाव की चुनरी को ओढ़कर रास पंचाध्याय में, बार बार कहता हूं कि रास लीला या कृष्ण की लीला हमेशा ब्रजवासी कथावाचकों से सुनो, ब्रजवासियों से सुनो, उसके पीछे कुछ विशेष बातें हैं। मेरा मतलब सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं ब्रजवासी हूं इसलिए बोले जा रहा हूं ना, कुछ विशेष मतलब है उसके पीछे कि सिर्फ ब्रजवासी को या ब्रजवासी कथावाचक के द्वारा कम से कम भागवत कथा तो ब्रजवासी बालक से सुननी चाहिए। पुराने कथावाचक जो हुआ करते थे, जिस दिन रास पंचाध्यायी का पाठ श्रवण कराना होता था, उस दिन कथा कहने वाले प्रवक्ता गोपी बनकर आते थे। क्या बनकर आते थे? नाम नहीं लूंगा, अभी भी हैं कुछ ऐसे। जिस दिन रास पंचाध्याय का वर्णन करते हैं, उस दिन पूर्ण रूपेणक सखी बनकर आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सखी बनकर क्यों आते हैं भाई? बोले प्रियतम की कथा है, हमारे पति परमेश्वर की कथा है। रास पंचाध्यायी में पुरुष का तो प्रवेश ही नहीं है, पुरुष भाव का प्रवेश नहीं है, वर्जित है। यहां गोपी भाव का प्रवेश है।
भाव सिद्ध है, भेष सिद्ध नहीं। भाव होना चाहिए। अरे भैया, वृंदावन से ज्यादा भाव और कहां मिलेगा? इसी रास का दर्शन करने के लिए कौन कौन जाते हैं? गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करने, जरा बताइए। अब कुछ अलग प्रमाण दूं क्या? आपकी और मेरी तो बात छोड़ दो, बाबा भी जब रासलीला का दर्शन करने आए तो उन्हें भी क्या बनना पड़ा? क्या बनना पड़ा? एक दिना भोले भंडारी वृंदावन आ गए।